इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का तूफान तो ओली पॉप ने शतक जड़कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम का भी दबदबा देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाफ किस तरह का परफॉर्मेंस इंग्लैंड की टीम का देखने को मिला और अब भारतीय टीम किस तरह से इस महामुकाबले को इंग्लैंड के खिलाफ जीत कर इतिहास रचेगी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया मुकाबले को दमदार तरीके से जीत कर इतिहास रचे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले की शुरुआत की, तो टीम इंडिया की तरफ से नाबाद थे अक्षर पटेल के साथ सर रविंद्र जडेजा, जहां पर दोनों ही एक बार फिर भारतीय टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर उतरे, जहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 422 रनों तक पहुँच सका था। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और शानदार शुरुआत करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि भारतीय टीम को तगड़ा झटका जडेजा के रूप में लगा था, लेकिन यहां पर 118वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने दमदार परफॉर्मेंस किया और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने काफ़ी शानदार पारी खेली थी, लेकिन आज के मुकाबले में यहां पर 119वें ओवर की तीसरी बॉल पर ये बोल्ट हो गए, जो रूट ने इनका विकेट लिया, जहां पर इनको LBW कर दिया। आज के मुकाबले में 180 बॉलों पर 87 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद जडेजा आउट हुए, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा जसप्रीत बुमराह के रूप में, जहाँ पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने जडेजा के बाद यहां पर बुमराह को भी चलता कर दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। इसके बाद अक्षर पटेल का साथ देने मैदान पर आए थे मोहम्मद सिराज, जहां पर सिराज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहते थे। टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा था 435 रनों के पार, लेकिन इसके बाद 120वें ओवर की आखिरी गेंद पर रहमान अहमद ने अक्षर पटेल का विकेट ले लिया, इनको LBW कर दिया, जहां पर 100 बॉलों पर 44 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये भी चलते बने। यानी कि भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर टीम के स्कोर को रोका था 436 रनों तक। टीम इंडिया दमदार फॉर्म में उतरते हुए ऐतिहासिक पारी खेल चुकी थी, 190 रनों का स्कोर यहां पर टीम इंडिया ने बना लिया, यानी कि 190 रनों की बढ़त बना ली थी और भारतीय टीम ने अपने सभी विकेट खो दिए। इसके बाद यहां पर पारी शुरू हुई इंग्लैंड की दूसरी इनिंग की। इंग्लैंड की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जैक कार्ली, तो उनके साथ शानदार फॉर्म में उतरे थे बेन ड्यूकेट, लेकिन आज के मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी, जहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद जो कि अश्विन डालने आए थे, जैक कार्ली ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि बुमराह डालने आए, कार्ली ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर मिड ऑफ की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद एक बार फिर शानदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ी चलते हुए दिखे। पाँचवें ओवर की पाँचवीं गेंद पर कार्ली ने एक और चौका जड़ दिया, तो इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था छठे ओवर की तीसरी गेंद पर, जहां पर अक्षर पटेल की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए कार्ली ने दमदार शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ड्यूकेट ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार चौका जड़ा। इसके बाद सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि अश्विन डालने आए, कार्ली ने एक और शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया, भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई रविचंद्रन अश्विन ने 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर। दमदार फॉर्म में उतरे थे जैक कार्ली को कैच आउट करा दिया हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों से, जो कि 33 बॉलों पर 31 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद चलते बने।
इसके बाद बेन ड्यूकेट का साथ देने मैदान पर उतरे ओली पॉप। ओली पॉप ने भी शानदार पारी खेली। दसवें ओवर की दूसरी गेंद जो कि अक्सर डालने आए ड्यूकेट ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर ड्यूकेट के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद ग्यारहवां ओवर डालने आए टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन, इनकी गेंद का भी बेहतरीन आगाज किया। ग्यारहवें ओवर की तीसरी गेंद पर ड्यूकेट ने दमदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। इसके बाद बारहवें ओवर की चौथी गेंद पर ओली पॉप ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ड्यूकेट के बल्ले से भी दमदार चौका देखने को मिला। चौदहवें ओवर की दूसरी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस किया जडेजा। गेंदबाजी करने आए ड्यूकेट ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं पर लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए दमदार विकेट चटकाते हुए दिखे। हालांकि यहाँ पर सत्रहवें ओवर की पहली गेंद जो कि अश्विन डालने आए पॉप ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। वहीं पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर ड्यूकेट ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ड्यूकेट ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने इसी ओवर की पाँचवीं गेंद पर ड्यूकेट को चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 52 बॉलों पर 47 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद चलते बने। इसके बाद पॉप का साथ देने मैदान पर उतरे जो रूट, जहां पर जो रूट भी दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। लेकिन यहां पर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और जो रूट को LBW कर दिया। 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो कि 6 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। इसके बाद पॉप का साथ देने मैदान पर उतरे बेरिस्टो, जहां पर बेरिस्टो भी बेहतरीन फॉर्म में उतरना चाहते थे। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसके साथ ही यहाँ पर जडेजा ने 27वें ओवर की चौथी गेंद पर बेरिस्टो को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 24 बॉलों पर मात्र 10 ही रन बना सके थे और ये भी चलते बने। इनको यहाँ पर LBW कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस टीम के स्कोर की, तो 28 ओवर तक टीम का स्कोर पहुँचा था 4 विकेट के नुकसान पर 140 रनों के पार। इसके बाद जो पॉप का साथ दिया बेन स्टॉक्स ने, लेकिन बेन स्टॉक्स भी आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखे जडेजा। उनके साथ ही यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के कप्तान को भी चलता कर दिया। कप्तान जो कि बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे, लेकिन यहां पर 36वें ओवर की पांचवी गेंद पर स्टॉक्स का विकेट अश्विन ने अपने नाम पर किया, जो कि 33 बॉलों पर मात्र 6 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। यानी कि टीम ने 37 ओवर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे। आखिरी में यहां पर पॉप का साथ देने मैदान पर उतरे थे फोकेस, जहां पर फोकेस ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे पहुँचाया। टीम के स्कोर की हम बात करें तो टी ब्रेक से पहले यानी कि 42 ओवर तक टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। इसके साथ ही स्कोर पहुंचा था अब तक 172 रनों तक। तो वहीं पर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, जहां पर 43वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि जडेजा डालने आए ओली पॉप ने शानदार शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे थे दोनों खिलाड़ियों के बीच हमें दमदार साझेदारी देखने को मिली, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने 50 पार्टनरशिप भी करके दिखाई। तो इसके बाद यहां पर 49वें ओवर की पांचवी गेंद जो कि एक बार फिर जडेजा डालने आए थे ओली पॉप ने एक बार फिर दमदार आगाज किया। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर शानदार फॉर्म में उतरे थे इस महामुकाबले में ओली पॉप ने अपनी शतकीय पारी भी जमाई। 53वें ओवर की पहली गेंद जो कि अश्विन डालने आए यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे ओली पॉप ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर फोकेस के बल्ले से भी एक और दमदार चौका देखने को मिला, जिन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर स्कोर को भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।
जहां पर टीम का स्कोर पहुंच सका था अब तक यहां पर 220 रनों के पार। तो वहीं पर 54वें ओवर की पांचवी गेंद पर फोकस ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। सिराज गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे और दमदार चौका जड़ा। इसके बाद 55वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि अश्विन डाल ने आए, ओली पॉप ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं पर ओली पॉप ने 60वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि जडेजा डाल ने आए दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 3 रनों के साथ यहां पर अपना शतक भी पूरा किया। यानी कि इंग्लैंड की टीम की पारी काफी बेहतरीन हो चुकी थी। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 61 ओवर तक अपने 5 विकेट खोए। तो वहीं पर 245 रनों के पार स्कोर को पहुंचाने में सफल रही। यानी कि इंग्लैंड की टीम अब तक भारतीय टीम से 55 रनों से आगे चल रही थी। तो वहीं पर फोकस इसके साथ ही ओली पॉप ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर दमदार साझेदारी करी और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर दमदार शॉट खेले। जहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में उतरे पॉप ने 62वें ओवर की पांचवी गेंद जो कि अक्षर पटेल डाल ने आए दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 63वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए जडेजा की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई थी जिसकी बदौलत भारतीय टीम के सामने ये स्कोर को बेहतरीन खड़ा कर सकी। यानी कि अब तक टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। तो वहीं पर 80 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। यानी कि अभी भी टीम इंडिया के आगे चल रही थी ये टीम 80 रनों से। लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के सामने 90 रनों के पार रनों की बढ़त बना ली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अब यहां पर दमदार विकेट चटकाते हुए इस सीरीज को अपने नाम पर कर पाएगी? भारतीय टीम की आखिरी इनिंग में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।